Assalamu alaikum. And here we go. स्क्रीन तो थोड़ी सी दिखा दीजिए मुझे, आई जस्ट नीड टू सी कि हम लोग सही लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। गुड मॉर्निंग टू यू। आज मैं ये कह रहे हैं कि मैं मगरूर हो जाता हूँ इसलिए मुझे स्क्रीन ही दिखाएंगे, बट टुडे आई जस्ट हैव अ वेरी ब्यूटीफुल शो फॉर यू। आज का शो बहुत अच्छा है। डोंट आस्क मी व्हाई, बिकॉज आई जस्ट फील गुड। आई थिंक दिस इज वन शो दैट आई रियली 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 एंजॉय डूइंग। और ये जो ऊपर जितने लोग बैठे हैं, अगर आप में से कोई भी कुछ बोला तो मैं ऊपर आ जाऊंगा, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस डोंट स्पीक। आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। कल हमने बहुत सारी ईमेल्स हमको मिली हैं, बहुत सारे एसएमएसेस आए हैं आज। कल एक्चुअली जिंदगी में सबसे ज्यादा एसएमएसेस मुझे आए, 173 एसएमएसेस मेरे अपने फोन पे आए हैं। एंड इट इज जस्ट अनबिलीवेबल कि किस तरह से वो 173 एसएमएसेस जो हैं वो मुझ तक आए हैं। और बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। कल कुछ थोड़े से टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे, कुछ फॉल्ट्स थे जो हमारे एंड से हुए, तो उसके लिए वी रियली डू अपोलोजाइज। लेकिन थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। फेसबुक पे, हमारे ट्विटर पे बहुत अच्छा मैसेज है, थैंक यू जी। बहुत बात मत करें, खुदा का वास्ता, दिस इज लाइव शो। आई जस्ट डू नॉट अंडरस्टैंड वाई डू वी डू दिस एवरी सिंगल डे, वाई डू वी रिपीट द सेम मिस्टेक्स। एनीवे, इट डजंट मैटर, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। There's a song that I really like. आप ये जो 11 से 1 बजे का टाइम है ना, इस टाइम आपने सिर्फ इंजॉय करना है। फॉर्मेट मैं आपको समझाता रहूंगा कि क्या है। फॉर्मेट के अंदर आप शामिल हैं, आप डेफिनेटली शामिल हैं, क्योंकि आपको मैं यहाँ पर बुलाने वाला हूँ, अपने पास बुलाने वाला हूँ। और मेरे पास आने के बाद आपने बहुत कुछ करना है। हमने पाकिस्तान को तब्दील करना है। किस तरह से तब्दील करना है, ये एक मेरा पूरा प्लान है। मैंने एक ड्रीम टीम बनाई है और ये ड्रीम टीम आहिस्ता आहिस्ता करके आप पे रिवील होगी। अगर मैंने फौरन से बता दिया ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हम लोग सही नहीं कर रहे हैं, हम लोग शायद कोई बहुत भाषण देने वाले हैं। मैं भाषण पर बिलीव नहीं रखता। मैं समझता हूँ कि हम अगर काम करना है तो बस फिर प्रूव करके काम करना है। आई वुड लाइक टू से थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ माई टीम, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जब थैंक यू कहा है, तो थैंक यू पे एक चीज़ याद आई है। हम थैंक यू उन लोगों को क्यों नहीं करते जिन्होंने हमारी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा किरदार अदा किया होता है। जैसे थैंक यू करें अपने टीचर को, थैंक यू करें अपने फादर को, अपनी मदर को, अपने फ्रेंड को, अपने किसी डोरमैन को, अपने किसी लिफ्ट ऑपरेटर को, अपने किसी शॉपकीपर को, अपने मोहल्ले के किसी चचा को, अपनी दादी को, अपने दादा को, अपने चचा को, अपनी चची को, अपने ताया को, अपनी ताई को थैंक यू करें। टेल देम दैट यू लव देम, टेल देम कि थैंक यू, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। जिंदगी में पॉजिटिविटी रखिए। अगर पॉजिटिविटी है तो फिर बहुत कुछ आसान हो जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हमने कौन सी एंट्री सोची थी और मुझे क्या करना पड़ा है, बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। ऐसा हो जाता है। Here we go. 1, 2, 3 और आप मेरे साथ गा सकते हैं। प्लीज सारे काम छोड़ दीजिए। प्लीज ऑल द वुमेन आउट देयर, ऑल मुझे खवातीन बहुत अच्छी लगती हैं। ऑल द प्रिटी वुमेन आउट देयर, ऑल एवरी सिंगल प्रिटी वुमेन आउट देयर, प्लीज अपने सारे काम छोड़ दें, मेरे साथ इस गाने में हिस्सा हो जाइए, हिस्सा लीजिए प्लीज। एंड हियर वी गो। मुसाफिर हो यारो, देने जा रहा हूं। ऐसी 20 बास्केट्स हैं, तो अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कीजिए। ऐसी 20 बास्केट्स हर कॉलर को दी जा रही है। एवरी सिंगल कॉलर विल गेट सही जानी की हर वर्ग की रेंज बास्केट है। इसके अंदर कुछ चूड़ियां हैं, थोड़े से दुपट्टे हैं, कुछ ब्यूटी के जो सामान हैं वो हैं, दिल पसंद के 5 जो हमने आपको कहे थे, 5 किलो के
जो पैकेजेस हैं मिठाई के डब्बे हैं वो भी आपके लिए हैं। एक अदद वॉशिंग मशीन है, यस एक अदद वॉशिंग मशीन है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। कल की वॉशिंग मशीन का ऐलान मैं आज के प्रोग्राम के अख्ताम में करूँगा और आज की वॉशिंग मशीन का ऐलान हम करने जा रहे हैं कल। तो आज भी एक अदद वॉशिंग मशीन है, आप लोगों को सिर्फ एक बहुत खूबसूरत सा SMS करना है। सबसे अच्छे SMS को SMS करने के लिए मैं आपको तरीका बता दूंगा, लेकिन सबसे अच्छे SMS को हम देने जा रहे हैं वॉशिंग मशीन, और कोर्स हम इसको डिलीवर करेंगे बाकायदा और आपको दिखाएंगे जब हम वॉशिंग मशीन को डिलीवर करेंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, और या और स्पोर्ट्स वेयर है हमारे पास। मुझे मना किया गया कि मैं नाम न लूं, तो मैं नाम नहीं ले रहा हूं। स्पोर्ट्स वेयर है हमारे पास। आज हमारे शो में सलमा अजफर इज देयर एंड द वन एंड द ओनली फाखिर इज देयर। सो फाखिर के भी हम लोग साथ होंगे। एंड देन ऑफकोर्स हमारे एक्सपर्ट्स हैं जिसके अंदर मुन्ना मुश्ताक हैं, डॉक्टर राबिया हैं, टैरो का रीडर हैं। आज आप लोग कॉल कीजिएगा और मैं आपकी किस्मत का हाल बताऊंगा। मैंने लियाकत साहब से कहा है कि वो आपकी किस्मत का हाल बताएं। सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड जस्ट चिल। हमने शो बहुत अच्छा करना है, मैं भी बैठ जाता हूँ और बैठ के बात करते हैं। 1 2 3 4 मुझे ये करना था तुम लोगों के साथ, मुझे करना था, तुम लोग मेरे साथ करते हो। अच्छा दोबारा से कर दो, there you go, एक और दिन में हाथ थाम कर इधर बुला लिया, रात में इशारे से उधर बुला लिया, हवा के परों पर मेरा मुसाफिर हो यारो, न घर चलते जाना है, बस चलते जाना। Little Masters. जे मेरी आवाज आ रही है? कौन सा माइक कैच कर रहा है? ये वाला कैच कर रहा है, ये वाला कैच कर रहा है? नहीं, गाना क्या? आज तो आप लोगों को देख के मुझे अजीब सा ख्याल आ रहा है। आज पता नहीं मेरा मूड ऐसा क्यों है। I don't know why I want to do this show. हमारा भी मूड कहीं भी कहीं चला जाए ना। आज आप लोग मुझसे गाने की फरमाइश करें। जी बिल्कुल, मुझे तो गाना ही सुनना है। कौन सा प्लीज बताइए। कोई सा भी अच्छा सा जो आपको पसंद है। बताइए प्लीज, आप बताइए सर। जो दिल चाहे, जो आपका फेवरेट हो। आप दोनों को क्या पसंद है? मुझे तो शुक्रिया। तो मुझे इसी तरह से बात करनी पड़ेगी। सो आई एम गोना टॉक, कभी कभी लाइव प्रोग्राम्स के अंदर इस तरह से हो जाता है, हो रहा है। बट यू टेल मी, माशाल्लाह आज ऑल रेड, एकदम बहुत ब्राइट सा रेड, दिस इज रियली गुड। मैंने कहा सेलिब्रेशन है तो पूरी तरह हो जाए। ओके, और आप सर?
देखें जी, ये तो सेलिब्रेशन के दिन है, इसके बाद तो हम काम कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा काम, बहुत ज्यादा काम कर रहे होंगे, लोगों की कॉल्स ले रहे होंगे। जी जी, आप भी अगर मुझे कॉल करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और आज मुझे कहा गया कि जी मैं कॉल करने के लिए आपको जो नंबर बताऊं वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता से बताऊं, और इसका नंबर जो है वो स्क्रीन पे भी आना चाहिए, 0342-207-5142, यहां कॉल करने का नंबर। वंस अगेन 0342-207-5142 कॉल करने का नंबर। एसएमएस कर करना चाहते हैं, वॉशिंग मशीन जीतना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस करेंगे, आप टाइप करेंगे DKB स्पेस देंगे, अपना मैसेज टाइप करेंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर अपना नाम लिखेंगे, इसके बाद आप इसको भेज देंगे 436 पे। वंस अगेन यू आर गोइंग टू सेंड इट टू 436, DKB लिखिए, स्पेस लिखिए, फिर अपना नाम लिखिए, एंड देन सेंड इट टू 436। और हमारे पास फाइन 10 सईद गनी के गिफ्ट्स हैं जो हम आपको एसएमएस पे देने जा रहे हैं, और 10 सईद गनी के गिफ्ट्स हैं जो हम आपको टेलीफोन कॉल्स पे देने जा रहे हैं। सो इट्स लाइक 20 गिफ्ट्स, 20 गिफ्ट्स हैं। हर कॉलर तकरीबन जो हमें कॉल करेगा, जिसकी कॉल थ्रू हो जाएगी, उसको हम ये गिफ्ट देने जाएंगे। एंड दिल पसंद के हमारे पास पाँच हैं जो हम देने जा रहे हैं, जिसके अंदर 3 हम SMS पे दे रहे हैं और 2 जो दे रहे हैं वो हम टेलीफोन लाइव कॉल्स पे दे रहे हैं। आप हमें कोई बहुत अच्छी सी बात करें, कुछ ऐसी बात करें जिससे हमारा दिल खुश हो, तो यू नो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू गिव दैट। बट एनीवे, कमिंग बैक टू यू, आर यू गाइस एक्साइटेड? अगले वीक से जब हम काम शुरू करेंगे, जब ये सेलिब्रेशन वगैरह सब खत्म हो जाएगी, तो यू थिंक इट्स गोइंग टू बी अ गुड शो? यू थिंक हमने जो प्रेडिक्शन की है कि नया प्राइम टाइम होगा 11 बजे का, क्या ये होगा? मैं समझता हूँ कि वाकई होगा। होगा जी, बिल्कुल पक्का, बिल्कुल। आज मेरे कार्ड्स क्या कहते हैं मुझे बताइए आज, बल्कि एक काम करें ना, पहले डॉक्टर राबिया का बताइए, आज डॉक्टर राबिया के कार्ड्स क्या कहते हैं, आज ये बहुत तैयार व्यार होकर आएंगे। देखें, मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा काम करना है, तो आप ये देखिए कि डॉक्टर राबिया ने बहुत ज्यादा तैयारी की हुई है, डबल तलवार उठाई है, दो तलवार उठाई है कि मुकाबला करना है, आगे बढ़ना है, और मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार है हम लोग। ओके ओके ओके, दिस इज वंडरफुल। और मेरा कार्ड्स क्या कहते हैं? प्लीज प्लीज प्लीज, मेरे कार्ड्स के अंदर, मेरे कार्ड्स के अंदर कैटरीना आनी चाहिए, प्लीज मेरे कार्ड में कैटरीना आनी चाहिए। कैटरीना का कार्ड मेरे पास नहीं है, मगर आपने भी अपनी जगह तलवार उठाई हुई। मैंने भी तलवार उठा ली है, वही है तलवार, मैंने भी उठाई, आप लोग भी उठा लीजिए, प्लीज तलवार उठाइए। और मैं क्या कर रहा हूँ तलवार से? तलवार का मकसद है काम, अगेन काम, अगेन काम, जदोजहद। मैं कैटरीना को ढूंढ रहा हूँ। ओके ओके ओके, तो इट्स गुड ना, इट्स गुड, काम करने से तो अच्छा ही होता है। जी हाँ, बहुत अच्छा महसूस करते हैं। सो सर, टेल मी, आपसे तो कल मेरी रात को भी मुलाकात हुई थी। जी जी, कल मैं कहीं गया था जहाँ लियाकत साहब मौजूद थे, और मुझे देख के कहते हैं आइए ना, बैठिए ना, इंशाल्लाह आपके लिए। अच्छा, जब एक बार टैरो कार्ड निकाल लेते हैं तो क्या बार बार निकाल सकते हैं? एक सवाल के लिए कम अज कम 6 महीने से पहले नहीं। एक सवाल के लिए? एक सवाल से तो ये रोज मैं जो कैटरीना का पूछता हूँ ये गलत है? हाँ, ये अच्छा नहीं है। ओ माय गॉड, इसीलिए तो नहीं मिल रही, जबी तो मुझे नहीं मिल रही। वेरी बैड, अब 6 महीने बाद कैटरीना का पूछूं? ठीक है ठीक है, आप कोई और सवाल कर सकते हैं, मगर रोजाना आप एक ही चीज के बारे में नहीं पूछ सकते। नहीं पूछ सकता रोजाना एक ही चीज के बारे में, नहीं पूछ सकता। दो चीजों के बारे में तो पूछ सकता हूँ जी, दो चीजों के बारे में, दूसरी चीज़। अगर एक के बारे में नहीं पूछ रहा तो दूसरी के बारे में लिए पूछी है। ओके ओके, क्या मेरी दूसरी शादी होगी? देखें, इस पर बहुत ज्यादा डिस्कस हो चुकी है, और मैं अब कार्ड निकाला है, फौरन देखिए, ये बहुत मायूसी वाला कार्ड है। नहीं नहीं, 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 नहीं हो, प्लीज यार, प्लीज यार, प्लीज। और यही बना हुआ है जो आप कर रहे हैं, जो आप तो नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों? अच्छा ये बताइए, पाकिस्तान में महंगाई कम होगी? देखिए फिर यही कार्ड ना आ जाए। नहीं आएगा, नहीं आएगा, प्लीज 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 प्लीज। देखें, ये डायरेक्शंस हैं, अच्छा, चीज हैं, अगर इन डायरेक्शंस पे काम हुआ हाँ, तो वाकई कम हो सकती है, मगर उन डायरेक्शंस पे। अच्छा ये बताइए, हमारा प्रोग्राम कामयाब होगा या नहीं होगा? ये मैं बता चुका हूँ, हमारा मैं प्रोग्राम कह रहा हूँ, दोबारा बता दीजिए। देखिए होगा, अलग बात है, हो गया गया हो गया कैसे? देखिए कल मैंने आपको कहा था कि आपका जो ट्रैवल है 10 के बाद, वो 6-7 साल पहले शुरू हुआ था, आज दरवाजा खुल चुका है, टक टक नॉक हो चुका था, आज खुल चुका है दरवाजा। okay, जी okay. 6 साल पहले मैं नहीं थी ना? आप 6 साल पहले नहीं थी? आपके साथ नहीं थी? आज मेरे साथ नहीं थी, तो नहीं, आप वैसे तो थी। कोई नहीं, 11 बजे का वक्त है, कोई मसला नहीं है, यू नो थिंग्स कैन जस्ट फ्लाई, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। अच्छा आप लोगों ने कभी कभी अपने जिंदगी में कोई गाना गाया है आज तक? मैंने कभी जिंदगी में गाना नहीं गाया, कभी नहीं गाया, गा ही नहीं। डॉक्टर साहब आपने तो गाया? हाँ प्लीज कोई सुनाइए हमको कुछ। हाँ आप सुनाइए, मैं आपको माइक नहीं देने वाला क्योंकि मेरा माइक काम नहीं कर रहा, प्लीज। अच्छा मैं क्या सुनाऊं आपको? आई डोंट नो, कुछ दादरा, कुछ ठुमरी है? हाँ उस्ताद नुसरत फतेह खान। नहीं नहीं, उस्ताद नुसरत फतेह खान अगर ये गाएंगे तो कैसे होगा ना? सोचो। वाह वाह, है ना, है ना, कैसा होगा? गम है या खुशी है तू। जी प्लीज। क्या सुनाऊं आपको? बहुत हल्के हल्के सुनाइएगा कोई, बहुत हम लोग दोनों डूबना चाहते हैं। मैं हल्के हल्के नहीं सुना सकते, हल्के में मेरी आवाज ही हल्की। ओके चलिए फिर तेज तेज सुनाइए। वे सब तो सोनिया, हाय वे मन मोनिया, nice.
वे सब तो सोनिया आए वे मनमोनिया मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई वे सब तो सोनिया। ऐसे डॉक्टर्स आपने कहीं नहीं देखे, हमारे डॉक्टर्स ये हमारे पैनलिस्ट हैं। सो डॉक्टर साहब इसी तरह से कर रही हैं, आपको बुखार है? नहीं, I'm very serious at my work. अच्छा, this very serious, you know that. जब मैं काम की बात करती हूँ, very serious, you're very very serious. In fact, जिन चीजों पे हंसना चाहिए ये उन पे भी नहीं हंसती. नहीं, और जिन चीजों पे हंसना है, उस मामले में मैंने ऑलरेडी फैसल कुरैशी को बताया था कि मैं ट्यूब लाइट हूँ, अगर आप मुझसे ऑन स्क्रीन मजाक करेंगे तो आई कैन नॉट टेक इट. रियली? हाँ, आई एम ट्यूब लाइट, मुझे थोड़ी देर बाद समझ आती है. ओह वाओ, आप मुझे पहले बता दें कि मैं ये चीज जोक में कहूंगा आप, अरे तो आप हंसना शुरू कर देंगे तो मैं ठीक हूँ. अच्छा, वेरी गुड गुड, शुक्र है हम लोगों को पता चल गया, दिस इज रियली ऑसम. और आपके बारे में कोई मुझे प्रिकॉशन पहले से पता चले? मेरे बारे में? हाँ, आप बिल्कुल चल सकते. आपको गुस्सा तो नहीं आता? नहीं, इतना ज्यादा नहीं. अच्छा यार, ये बताए गुस्से का चक्कर क्या है, गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? करना चाहिए, मैंने बहुत किया है. किन किन बातों पे आपको, किन बातों पे गुस्सा आता है? हर गलत बात पे. हर गलत बात पे गुस्सा आ जाता है? कचरा नीचे फेंका तो आ गया, तो आ गया. ओके, और आपको किस बात पे आता है? देखिए, मैं बुनियादी तौर पे हूँ फायर. फायर का मकसद ऐसा आदमी जो गुस्सा करता है. ओके, मगर मैंने भी बहुत कंट्रोल किया है, मगर खिलाफ तवज्जो मतलब तवक्का कोई काम होता है तो उस पे जो है ना गुस्सा बाकी आता है. लाइक जब लोग एम्बुलेंसेस को जगह नहीं दे रहे होते तो मुझे गुस्सा आ रहा होता है, जब लोग बहुत हॉर्न दे रहे होते और देख रहे होते कि आगे ट्रैफिक जाम है और उससे कुछ भी नहीं होगा तो फिर भी गुस्सा आता है. फिर भी गुस्सा आ रहा होता है ना? अगर मुझे बहुत शदीद गुस्सा आ रहा है इस वक्त, आपको नहीं पता कि मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है, लेकिन मुझे आ रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इसलिए मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कह रहा हूँ कि एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. और तुम लोगों को मैं समझता हूँ अभी इस ब्रेक के अंदर, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाना कहीं नहीं, विल बी राइट बैक. अच्छा, बहुत अच्छे तुम लोग, पता तेज कर देते हो ना अपने तौर पे, तेज सारा टेम्पो तेज कर दो, इधर कहीं चले जाओ, कहीं चले जाओ. थैंक यू, बंद करो इसको, बंद करो इसको, और अब मुझे फॉलो करना. कल नहीं आना मुझे न बुलाना कि मारेगा ताना जमाना, कल नहीं आना मुझे न बुलाना कि मारेगा ताना जमाना. ये लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप हमें SMS करना चाहते हैं, आज काम करते हैं, आज कॉल चॉल नहीं लेते, आज SMS पे देते हैं. SMS पे हम लोग देने जा रहे हैं सईद गनी की बास्केट्स, और आपके ये जो दिल पसंद की मिठाइयां हैं, ये स्पोर्ट्स वेयर, वॉशिंग मशीन, SMS पे दीजिए. और SMS करने का तरीका बहुत आसान है, DKB लिखिए, DKB स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए, फिर स्पेस दीजिए, फिर अपना नाम लिखिए, सेंड टू 436. वंस अगेन, DKB लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए, फिर स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, सेंड टू 436. मैं आपको कह रहा हूं कि आज आप कुछ भी SMS कर सकते हैं. जो सबसे खूबसूरत SMS होगा उसको हम वॉशिंग मशीन देंगे, जो उससे जरा कम हसीन होगा उसको हम देने जाएंगे दूसरे किस्म के गिफ्ट्स और खाने के गिफ्ट्स हैं. इनफैक्ट यू नो, मैं एक बास्केट आपको दिखाना चाहता हूं. इट्स रियली 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 नाइस, रियली नाइस. ये सईद गनी की बास्केट है. जस्ट लुक एट दिस, लुक एट दिस, दिस वेरी वेरी नाइस, एंड दिस इज वेरी वेरी नाइस. और दूसरी वाली कौन सी है? आई हैव नो आइडिया. दिल पसंद, दिस इज दिल पसंद. आउच आउच, दिस इज दिल पसंद की मिठाइयां. प्लीज आप लोग दिल पसंद की मिठाइयां खाइए, बहुत दिल पसंद होता है. डायबिटिक पेशेंट, डॉक्टर साहब कह रही है डायबिटिक पेशेंट नहीं खा सकते. वेल यू नो, अगर आप डायबिटिक उन्हें खा लिए, अगर आप डायबिटिक है पेशेंट, खुदा ना करे आपको शुगर है, तो उसमें शुगर फ्री भी आती है डॉक्टर साहबा. कैसी बात, आप लोग मायूसी की बातें नहीं करें. 10 तक के बाद में मायूसी है ही नहीं. बंद कर दो तुम लोग म्यूजिक, बस. अगर तुम नहीं, जो डायबिटिक है वो खाए. दुनिया का सबसे पहला प्रोग्राम है. एक मिनट, मैं आपकी बात सुनूं, इनकी बात सुनूं, या उनकी बात सुनूं, या फिर उनकी बात सुनूं,
एक अकेली जान, इतने बहुत सारे मेहमान, इतने तो कान भी नहीं है, इतने तो सही में कान भी नहीं है, और मेरे सारे माइक्स जो है वो खराब हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। मैं अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, आइए मुझसे एक अदद बोसा लेके जाइए प्लीज, मैं आपके माथे को चूमना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कमिंग बैक टू यूट्यूब, अच्छा मुझे बताइए, ये तो बात वो है कि जी हमने गिफ्ट्स तो देने ही हैं और आज ये पहला मौका होगा, एंड प्लीज़ आप टेलीविजन सेट्स के सामने आ जाइए, प्लीज़ आ जाइए पास, और कोई काम नहीं करना आपने, एक बजे तक कोई काम नहीं करना, आपने मेरे साथ रहना है, और अगर आप कहीं भी गए, कहीं भी गए तो बहुत बहुत प्रॉब्लम की बात है, प्लीज़ स्टे विद मी। वॉशिंग मशीन जीतिए, सईद गनी के गिफ्ट जीतिए, दिलपसंद के गिफ्ट जीतिए, स्पोर्ट्स वेयर जो है वो जीतिए, और एक अदद वॉच जीतिए, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कौन सी वाली वॉच है। मैंने मैं कमिंग बैक टू यू डॉक्टर साहब, आप जो अपनी ड्रीम टीम तैयार कर रही हैं, जो अब हम एक हफ्ते के बाद जब इसमें सेशंस में आएंगे, जब हम बाकी अपने फॉर्मेट शोज करेंगे, तो उसमें जाहिर हमारी मार्केटिंग बैठ के देख रही है। अस्सलाम वालेकुम टू आवर मार्केटिंग, टू आवर सेल्स, अस्सलाम वालेकुम, वी गोना गिव यू अ गुड शो, आप फिक्र मत कीजिएगा, हम बहुत अच्छा शो देंगे, आप बस साथ हमारे रहिए, दैट्स ऑल। अच्छा तो हम वो जो फॉर्मेट शोज करेंगे, तो उसमें आपकी जो ड्रीम टीम है उसमें आप क्या देखती हैं, किन एरियाज के अंदर काम हो रहा है? उसमें इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिममली हम मास में काम करें, क्योंकि वही बात है कि आई डोंट वांट टू जस्ट सिट एंड इस पे करें, अभी तो ऑब्वियसली पहले आप प्रमोशन वीक पे थे, देन हम अब सेलिब्रेशन वीक पे है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई विल लव टू वर्क विद पीपल और इन बिटवीन पीपल। तो और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जब ये सेलिब्रेशन वीक खत्म हो जाएगा तो एक चैलेंज है जो मेरी तरफ से जा रहा है, एक चैलेंज है, आपको नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूँ, इफ आई सर्वाइव दैट चैलेंज, अगर मैं वो चैलेंज सर्वाइव कर गया तो हम आगे शोज करेंगे, वरना ऊपर की फ्लाइट है मेरी। आई एम टेलिंग यू दिस इज डेंजरस, इट्स वेरी 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 डेंजरस। कमिंग बैक टू यू सर। जी जनाब। जी सर। जी जी। क्या कहते हैं? बिल्कुल हमारे पास ये प्लानिंग है कि कोशिश करेंगे कि जब भी शो हफ्ता हमारा स्टार्ट होगा तो लोगों को उनके पूरे हफ्ते के बारे में बताएं कि उनका ये हफ्ता कैसे गुजरेगा। ओके। और इसके बाद इंडिविजुअल कॉल्स लेंगे और लोगों के इंडिविजुअल जो मसाइल हैं उन पे डिस्कस करेंगे, उन पे डिस्कशन। और इसके अलावा मेरे पास बहुत सारी रेमेडीज हैं जो कि बहुत सी आसान आसान रेमेडीज हैं, जो कि लोग समझते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है, मैं कोई बकरे काटने के मशवरे नहीं दूंगा। अच्छा मुझे बताइए, जो मायूसी होती है, जो लोगों में मायूसी होती है, एक आम तौर पे होता है कि महंगाई की वजह से आप लोग बहुत मायूस होंगे, यू नो प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत मायूस होंगे, तो उस मायूसी का इलाज किस तरह से किया जा सकता है? कि टैरो कार्ड्स में ऐसा कुछ है? देखें टैरो कार्ड में नहीं, मगर माइंड साइंसेस में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि आप अपनी मायूसी को खत्म कर सकते हैं। देखें कोई भी चीज, एक मिसाल देते हैं कि एक तोता एक तार पे बैठा था और वो तार पे उल्टा हो गया, लटक गया। लटक गया तो उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, चीखता रहा चिल्लाता रहा, दूसरा तोता उसके पास आया, कहने लगा कि क्यों चीख रहे हो? उसने बताया कि देख नहीं रहे कि मैं लटक गया हूँ। बोला तुम लटके नहीं हो, तुम तोते हो, ये छोड़ दो, उड़ जाओगे। ठीक है, तो जिस चीज को जितना चिपका जाएगा उतना आप मायूस होंगे, आप छोड़ दें उनको। ये चीजें होती रहती हैं और हर इंसान के साथ होती रहती हैं। तो माइंड साइंसेस में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, हम बहुत सारी टिप्स लोगों को दे सकते हैं कि मुख्तलिफ अपने जिंदगी की जो चीजें हैं उनमें से ये मायूसियां खत्म करें और अपने आप को इंप्रूव करें। और मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स भी दूंगा जिसके जरिए आप एक्चुअली पैसा बना सकते हैं, लिटरली यू कैन एक्चुअली मेक मनी, यू कैन स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम योर ओन होम, अपने आप घर से काम कर सकती हैं, कर सकते हैं। बिकॉज पता है मैंने बहुत सारे, मैं तमाम जितने भी शोज हैं उन सबके बहुत कदर करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ उन सबसे, दे आर ऑल माई फ्रेंड्स, हमारी एक ही फ्रेटर्निटी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारा शो जरा मुख्तलिफ किस्म का शो है, जरा डिफरेंट किस्म का शो है। ये आगे आगे आपको रिवील होगा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ योर हाउस हाउस होल्ड, आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट जो आपकी जिंदगी में शामिल हो जाए। थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मच लव एंड सो मच ऑफ योर प्रेशियस टाइम कि आप आते हैं, आप टेलीविजन पर देखते हैं और बैठ के देख, और इस वक्त कुछ औरतें खाना बना रही होंगी, कुछ औरतें इस वक्त अपने बच्चों के स्कूल के आने के लिए, कुछ साहब जो होंगे वो बैठ के अखबार पढ़ रहे होंगे, बहुत सारी चीजें हो रही होंगी। ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू इज कि जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है और जैसे भी हो रहा है, उसको वैसे होता रहने दीजिए। आपकी लाइफ में सिर्फ एक बात बहुत एसेंशियल होनी चाहिए कि जिंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं हर चीज तब्दील हो जाया करती है। चेंज इज ऑलवेज गुड, इट्स ऑलवेज फॉर द बेटर। मैंने एक मूवी देखी थी, इट्स कॉल्ड अप इन द एयर, अप इन द एयर जॉर्ज क्लूनी की मूवी थी, और उसकी जॉब जो होती है वो ये होती है कि वो लोगों को फायर करता है, वो लोगों के पास जाता है और लोगों को जाके कहता है यू आर फायर्ड। और उसके बाद जब वो ये जुमला कह देता है तो फिर उसके बाद कहता है कि दुनिया में जितने बड़े बड़े ग्रेट लोगों ने जिंदगी में चेंजेस की हैं वो सिर्फ उसी वक्त की हैं जब उन्होंने ये जुमला सुना है, दैट आई एम फायर्ड। जस्ट रिमेंबर दिस, हर चीज का इख्तिताम किसी ना किसी चीज का आगाज है।
किसी ना किसी चीज, तो आज से आपकी स्ट्रगल शुरू होती है यार, आज से आपकी जिंदगी शुरू होती है, आज से आपको महसूस होना शुरू होगा, आप इंतजार करेंगे 11 बजने का, आप इंतजार करेंगे इस बात का कि यार 11 बजे एक स्माइल आ सके, मुझे कुछ ऐसी मोटिवेशनल बात मिल सके, कुछ ऐसी इंस्पिरेशनल बात मिल सके जिसको सोच के जिसको सुन के मैं अपने घर की अपने बच्चों की तमाम चीजों की हम उसमें बेहतरी ला सकें। आई टेल यू वन थिंग, मेरी जिंदगी में हर चीज कोई ना कोई किसी ना किसी रीजन की वजह से होती है। आपसे थोड़ी देर के बाद मैं आपसे दो खवातीन की मुलाकात करवाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा एक ऐसे शख्स से जिनसे कल मेरी मुलाकात मैं जब खाने पे जा रहा था तो वहां हुई। हम लोग कुछ पेंटिंग्स वगैरह देख रहे थे कि यहां पर कुछ पेंटिंग्स लगनी चाहिए, एंड ऑल ऑफ अ सडन मैं रेस्टोरेंट में एंटर होने लगा तो वहां पर एक साहब ने मुझे आवाज दी, सर भाई। मैंने कहा अच्छा, मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा एक साहब एक बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग लिए खड़े थे मोटरसाइकिल पे। तो मुझसे कहने लगे, मैं सर आप मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं और आपका प्रोग्राम मैं देखता हूं और आप बहुत करते हैं, कभी मेरी शॉप पे तो आइए। मैंने कहा आपकी शॉप कौन सी है? कह लेंगे उस तरफ है खड्डा मार्केट के अंदर और मैं पेंटिंग करता हूं। मैंने कहा ओके। तो मैं जब वहां गया तो खूबसूरत थी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आप मेरे पास शो पे तशरीफ लाएं, एक मैं प्लान करता हूं। मेरे जहन में तो फौरन ऑटोमेटिकली आ जाता ना कि किस तरह से लोगों के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, करना चाहिए। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार तारिक हुसैन उनका नाम है, मैंने कहा तारिक एक बात करें, आप मेरे पास शो पे आइएगा, हम बैठ के वहाँ बात करेंगे, और प्लीज़ एक काम कीजिएगा, हम ऐसा करते हैं हम स्कूल्स में जाते हैं और हर स्कूल से दो दो तीन तीन लोग लेते हैं, दो दो तीन तीन बच्चे लेते हैं, एक क्लासरूम बनाते हैं 60-70 बच्चों का, और उसके बाद उस क्लासरूम को आप फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएं आर्ट, ब्रश कैसे पकड़ते हैं, ईजल पे कैसे पिक्चर को लगाते हैं, तस्वीर कैसे बनती है, यू नो हम ये सब कुछ करेंगे ना तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। एंड गेस व्हाट, उन्होंने मेरी बात सुनी और उसके बाद कहने लगे मैं ये करने को तैयार हूं। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, मायूस मत हो जिंदगी के अंदर। अभी मैं आपको एक छोटी सी और मिसाल देता हूं, अभी टेक्निकल बड़े प्रॉब्लम्स हैं, हमारा ये सेकंड शो है, हम जिस जगह रह रहे हैं वो जगह बड़ी नई है हमारे लिए, तो लेकिन हम लोग सब यहाँ बैठे हैं ना, आप आज देख रहे होंगे मेरे हाथ में ये हसीन तरीन माइक है, ये सिर्फ इसलिए है बिकॉज जरा सा टेक्निकली हम थोड़े से डिप्राइव्ड हुए मैं इस वक्त, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हम हौसला नहीं हार रहे, हम फिर भी ऑन एयर जा रहे हैं, यू नो व्हाई, बिल्कुल आपकी तरह से हम, आप भी तो जिंदगी गुजारते हैं ना, कितनी महंगाई हालात में वैसे भी सरवाइव करना आना चाहिए ना, हाँ, और कितनी महंगाई है, बहुत महंगाई है ना, बहुत प्रॉब्लम होता है ना, कभी टेलीफोन का बिल आता है तो हम डर जाते हैं, कभी बच्चों की ट्यूशन की फीस आती है तो हम डर जाते हैं, कभी खाने का बजट बनता है तो हम डर जाते हैं, हम तमाम चीजों में बड़े खौफजदा हो जाते हैं, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारते। You know why? Because we believe कि हम चेंज हो सकते हैं, we believe कि हालात ठीक हो सकते हैं और हालात ठीक हो जाएंगे। तो इन्हीं हालात को ठीक करने के लिए हमने सोचा जी पाजी कोई मसला ही नहीं है, आपको हम आज एक रिकॉर्ड ही बनाते हैं, पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड बनाते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ SMS पे ये पहला शो होगा जिसके अंदर SMS पे आपको इनाम जो है वो दिए जा रहे हैं। सो प्लीज, और मेरी जिंदगी का तो ये पहला शो है जहां पर सिर्फ SMS पे इनाम दिए जा रहे हैं। आपके पास 20 सईद गनी की बास्केट्स हैं, 5 जो है वो दिलपसंद की बास्केट्स हैं, देन ऑफकोर्स यू हैव 1 वॉशिंग मशीन, एक वॉशिंग मशीन है। SMS कीजिए, SMS करने का तरीकाकार बहुत आसान है, DKB लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए, फिर स्पेस दीजिए, फिर अपना नाम लिखिए, सेंड इट टू 436। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो हमारे पास 5 विनर ऑलरेडी आ चुके हैं, तो हमने अनाउंस करना है, वी गॉट 5 विनर्स, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, वी आर गोइंग टू कम बैक इन अबाउट 2 मिनट्स बिकॉज वी आर अ वेरी ब्रांड न्यू शो, आई डोंट हैव मेनी मेनी एड्स रनिंग राइट नाउ, इफ आर मार्केटिंग डिसाइड्स दैट दे आर नॉट गोइंग टू पुट देयर कमर्शियल ऑफ द ड्रामाज और ड्रामा कमर्शियल, देन वी विल बी बैक इन 2 मिनट्स, अदरवाइज अल्लाह आपका भी मालिक है, हमारा भी मालिक है। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे, कहीं जाना नहीं है, मैं बहुत हसीन लग रहा हूँ आज। We'll see you right back. दिल ने तुझको पुकारा, मुलाकात हो गई। आपका रूम आपका नाम, मेरा तराना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं, जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए, ओ
के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ दी लेडीज एंड जेंटलमैन मेरे पास ये तीन लोग तीन बहुत हसीन लोग हैं और आइए सबसे पहले इनका तारुफ करवाऊं मिसेस फरियाल उस्मान इट्स ओके आप लोग हल्का हल्का बजा सकते हैं इट्स गुड इट्स गुड इट्स वेरी नाइस अच्छा लग रहा है आप भी हमें एसएमएस कर सकते हैं अभी मैं एसएमएस के जरिए पांच नाम अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से एसएमएसेज हैं जो पांच हमने चूज किए हैं मिसेस फरियाल उस्मान आपके दो बेटे हैं दो बेटियां हैं आठवें दिन आपने जॉब छोड़ दी थी एडवेंचरस हैं बहुत ज्यादा एडवेंचरस हैं और शिकार बहुत शौक से खेलती हैं ओके बच्चों के साथ एडवेंचर्स में हिस्सा लेती रहती हैं साहबजादी को आपकी साहबजादी को मोस्ट एडवेंचरस गर्ल का अवार्ड मिला है साहबजादा जो आपका है वो एडवेंचरस सोसाइटी का फाउंडर है ओके जैबिस में ओके एंड देन वी हैव मिसेस नोरिन बंगश बर्मा से आपका ताल्लुक है हाउस वाइफ है दो बेटियां एक बेटा है साहबजादे का ताल्लुक मीडिया से है ऑलराइट एंड देन वी हैव तारिक हुसैन साहब तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू द शो एंड सॉरी मैं इस तरह से वो कर रहा हूँ मुझे करना पड़ रहा है मैं क्या करूँ मैं पहले अनाउंस कर लूँ उसके बाद हम आपसे बात करेंगे शेख आसिम मुझे लिखते हैं साहिर भाई यू आर लुकिंग वेरी डिफरेंट टुडे आई एम लविंग योर शर्ट थैंक यू तुम्हें दे दूँ तुम्हें चाहिए शेख अगर चाहिए तो मुझे एक और एसएमएस करो मैं तुम्हें ये शर्ट दे दूंगा नॉट रियली दे सकता हूँ आपको मैं सईद गनी की बास्केट जो है वो देने जा रहा हूँ आपका ताल्लुक क्वेटा से है सो क्वेटा के अंदर हम आपको सईद गनी की बास्केट डिलीवर कर देंगे मोना अली राइट्स टू मी सेट बहुत जबरदस्त लग रहा है और आप तो हैं ही जबरदस्त साहिब भाई मोना नो वरीज मैं आपको देने जा रहा हूँ एक अदद यस दिल पसंद की मिठाई सो यू आर गेटिंग दैट आलिया राइट्स टू मी आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस न्यू शो यू एंड योर टीम आर जस्ट मार्वलस स्प्लेंडेड सुपर्ब दैट्स आलिया आलिया बहुत बहुत शुक्रिया यू राइटिंग दिस फ्रॉम कराची सो आई एम गोइंग टू गिव यू क्या दूं बास्केट दे दूं इनको बास्केट दे दूं जल्दी बताइए मुझे बास्केट दे दी आपको सईद गनी की बास्केट दे दी रहीम अख्तर राइट्स टू मी कमाल कर दिया आज तो साहिर भाई आपने क्या शो है वाला कराची से ओके रहीम अख्तर आला आपको भी मैं देने जा रहा हूं दिल पसंद की एक अदद मिठाई जो बहुत आला होती है शुमाइल राइट्स टू मी द नेम ऑफ द शो इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड शी इज राइटिंग मी फ्रॉम दुबई वाओ दुबई से लिख रही हैं यार मजा तो तब आए जब दिल पसंद दुबई के अंदर डिलीवर हो जाए कैन समबडी डिलीवर दिल पसंद इन दुबई इनफैक्ट फहीम उस्मानी हम लोग डिलीवर कर सकते हैं दुबई में जाके हम मुझे कह रहे हैं जाते हुए एयरपोर्ट से लेके जा सकते हैं आइदर वी कैन गिव दिस मिठाई वी कैन डिलीवर दिस मिठाई टू फ्रॉम दुबई और टू दुबई या फिर मैं आपको टिकट भेज देता हूं आप दुबई से यहां आ जाएं क्या करूं जल्दी बताओ आप अगले आप मुझे बताइए आप क्या चाहती हैं आप चाहती हैं कि आप यहां आएं या आप ये चाहती हैं हम आपको मिठाई वहां भिजवाएं यू टेल मी आप मुझे एसएमएस भेजिए आज में कुछ ज्यादा नहीं हो गया ऐसे नहीं मेरा बैंक बैलेंस खत्म हो जाए जेबा राइट्स टू मी मैं 12 बजे से पहले नहीं उठती थी बट अब तो 11 बजे सिर्फ आपको देखने के लिए उठना पड़ रहा है गुजरांवाला से वाओ जेबा थैंक यू वेरी मच आपको हम दिल पसंद की तरफ से मिठाई देने जा रहे हैं देन सुनैना राइट्स टू मी साहिर आई जस्ट हैव नो वर्ड्स फॉर यू आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट आई लव यू प्लीज मैरी मी आपको मैं मिठाई दे नहीं सकता आपको बकवास मत कीजिए आप मेरे कान के अंदर बोला जा रहा है इनको हल्दी उपटन का सामान दीजिए सुने ना आई डोंट थिंक एनीवे आपको सईद गनी की मैं सैंडलवुड की क्रीम दे रहा हूं आई एम सो सॉरी बट थैंक यू सुनैना बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया आई लव योर एसएमएस एंड यू डोंट हैव टू मैरी मी यू नो यू कैन जस्ट ऑलवेज यू नो वॉच द शो और आप किसी से भी शादी करें सब मर्द मेरे जैसे हो जाते हैं एक वक्त में आके एवरीवन एग्जैक्टली लुक्स लाइक मी बिहेव्स लाइक मी उनके सबके एक ही किस्म के जोक्स होते हैं हम जब मर्दों की खास उम्र हो जाती है तो हम उन बातों पर नहीं हंसते जिन बातों पर हंसना चाहिए हम उन बातों पर हंसते हैं जिन बातों पर रोना चाहिए हम हंस रहे होते हैं क्योंकि हम पे गुजर चुकी होती है सॉरी कमिंग बैक टू यू आई एम रियली सॉरी सो मिसेस बंगश यू फ्रॉम बर्मा बर्मा से ताल्लुक है तो बर्मीज बोलनी आती है आपको Sure. थोड़ा बोल के दिखाएं जरा बर्मीज के अंदर मुझे बोलें अच्छा मैं बोलू नेकाउंदिला हाउ आर यू और मैं अगर बोलूंगा मैं सही हूँ तो मैं कैसे बोलूंगा काउ बारे ओके अब आप मुझसे दोबारा पूछें नेकाउंदिला थैंक यू ओके
ओके तो कब आपकी शादी कब हुई? मई 74 में. हाँ जी, 74. तो काफी साल हो गए. हाँ जी, वंडरफुल. सो आप उर्दू भी बोलती हैं बहुत अच्छे से? बोलती हैं, उर्दू भी बोल लेती हूँ अच्छी तरह. आप कराची में ही रहती हैं? या नाउ वी आर सेटल इन कराची. यू आर सेटल इन कराची. योर हस्बैंड इज आल्सो फ्रॉम बर्मा? नो, ही इज पठान, ही इज फ्रॉम कोहाट. नहीं नहीं, छोड़ो ना. या ही इज अ बंगाली. सो बर्मा से, बर्मा से लेके आए. ठीक है यार, बर्मा से लेके आए. बर्मा से नहीं लेकर आया, आई केम ओवर हियर. अच्छा, यू केम? या इज देयर अ लव स्टोरी बिहाइंड इट? या समथिंग लाइक दैट. कैसे हुआ? बट इट्स लाइक 71 में जो वॉर हुआ था, तो वी वेर इन सियालकोट ना. ओके. तो सो माय हस्बैंड्स आंटी, शी वाज माय मदर्स सिस्टर. ओके. तो उन्होंने हमें कहा कि व्हाई यू आर लिविंग स्टेइंग स्टिल स्टेइंग इन सियालकोट, यू बेटर गो टू पेशावर. सो यू वेंट टू पेशावर? या वी वेंट टू पेशावर. दैट्स वेयर यू मेट योर हस्बैंड? या. देन And That's fell in love with you. शादी हो गई. Wonderful, wonderful. आपकी स्टोरी बताइए थोड़ा. आठवें दिन जॉब क्यों छोड़ दी भाई? क्यों बस ने सवाल जवाब शुरू कर दिए थे और मुझे बाउंड होना अच्छा नहीं लगता. So उसके बाद दोबारा कभी कोशिश ही नहीं. Really? Yeah. उसके बाद जॉब कभी की नहीं? नहीं. Wow. और मेरी अपनी फील्ड है हाइकिंग, ट्रैकिंग, पहाड़ों पे जाना. अच्छा, आपको देख के बिल्कुल नहीं लगता कि आप हाइकिंग करती होंगी, आप ट्रैकिंग करती होंगी? नहीं, हाइकिंग होती जो पहाड़ सर किए जाते हैं. नहीं, पहाड़ सर करना और मतलब सर करना और वो तो जाहिर है को बेमाई होती है, लेकिन हाइकिंग तो वो पहाड़ों पे ही जाते हैं ना. बिल्कुल. और उसमें ये कि पहले मैंने बच्चे पाल के उन्हें बड़ा किया और जब इस काबिल हो गए कि मेरे साथ जा सकें और मेरी वो जिम्मेदारी उनको जो बचपन की थी वो पूरी हुई, तो फिर मैं उनको लेके गई. ये और बात है कि जाके पता चला मैं भी कुछ ज्यादा बड़ी हो गई हूँ. नहीं, नहीं, लेकिन ये कि हाँपती कांपती गिरते पड़ते पहुंच ही जाते हैं जहाँ जाना होता. Do you know कि आप कितनी इंस्पिरेशनल बातें कर रही हैं? This is, मैंने क्यों बुलाया इन लोगों को, मैंने यहाँ क्यों बुलाया? थोड़े थोड़े टाइम के लिए आया लेकिन क्यों बुलाया? आप लोगों को भी आना है, इसी शो पे आना है, मेरे शो पे आना है. मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में खवातीन क्या कर रही हैं. एक है जो अपना सब कुछ छोड़ के बर्मा से यहाँ आई, शादी हुई, एंड नाउ शी हैज रिजन टू किड्स, आई मीन थ्री किड्स, थ्री किड्स. और दूसरी खातून है, उन्होंने आठवें दिन जॉब ही छोड़ दी, किसी की नहीं सुनी, चाहे वो मेरा बॉस ही क्यों ना. और उसके बाद अपने बच्चों को भी हाइकिंग की तरफ, और बहुत बहुत सेहतमंद खेल है, बहुत सेहतमंद खेल है. और शी स्पेंट ऑल हर लाइफ डूइंग ऑल दीज एडवेंचर्स. तो आई थिंक दिस इज वंडरफुल. आप भी आ सकते हैं, आप भी शरीक हो सकते हैं मेरे इस शो के अंदर, यहाँ पर आके बैठ सकते हैं. बिकॉज मुझे नॉर्मल लोगों की तलाश है जो बिल्कुल मेरी तरह से, जिनकी जिंदगी के अंदर परेशानियां होती हैं. अच्छा, आप दोनों से पूछना चाहता हूँ, उसके बाद मैं तारिक पे आऊंगा. मुझे ये बताइए कि आप जब परेशान होती हैं तो ओवरकम कैसे करती हैं? परेशानी तो सबके साथ है ना. बच्चों के साथ इंटरेक्शन करती हूँ, उनके साथ बातें शुरू कर देती हूँ, घर के सारे काम या फिर कहीं निकल जाती हूँ. और स्पेशली अगर बच्चों से लड़ाई हो रही हो या वो मुझसे बदतमीजी कर रहे हो, तो फिर मैं कहती हूँ ओके, गो टू हेल. और बच्चों को भी बोल देती हूँ, जो कुछ तुम मेरे साथ कर रहे हो मैं अब वही करने जा रही हूँ तुम लोगों के साथ. जिसका मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अब इस साथ तुम लोग मेरा कुछ नहीं, क्या बिगाड़ोगे. सो उनको मैं उसी तरह डील करती हूँ जैसे वो मुझे डील करते हैं. I love that. मैम, आप जब परेशान होती हैं तो क्या करती हैं? मैं परेशान होती हूँ तो गुस्सा जल्दी मुझे आता है. आपको गुस्सा आता है? बहुत जल्दी आता है. और मेरा हस्बैंड उतना ही कूल है. वो पठान है और कूल है और बहुत कूल है. और आपको गुस्सा आता है? अजीब दास्तां है ये. सोच के देखें आप, ये बर्मा से ताल्लुक रखती हैं और बहुत गुस्से में होती हैं और अक्सर आ जाता है इनको, और पठान है और उनको गुस्सा ही नहीं आता. तो उनको ही इज टोटली डिफरेंट ना. रियली? और बहुत उन्होंने मेरा बहुत मुझे एक तरह का टेम किया है. आई वॉज लाइक रियली, हाँ मुझे टेम किया, यू कैन से लाइक दैट ना. माशाल्लाह. तो अगर आपको गुस्सा करना हो तो करके दिखा सकते हैं, मुझ पर थोड़ा गुस्सा करें ना. मैं बोलती नहीं हूँ, सिर्फ गुस्से से देखती हूँ. देखती हैं? प्लीज इनकी आंखों पे फोकस कीजिए. देखिए मुझे गुस्से से देखिए. मैंने कुछ किया है, ऐसा कुछ किया जो आपको पसंद नहीं आया? थैंक यू जी, थैंक यू. आई मीन लिटरली शी वाज लाइक हेलो. तारिक, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे. ब्रेक के बाद मैं तुमसे बात करता हूँ. एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. लेकिन याद रखिएगा, पांच मैंने नाम अभी दिए हैं, पांच मैं आपको अगली ब्रेक में देने वाला हूँ. एसएमएस कीजिए. मैं आपको सारे गिफ्ट एसएमएस पे दूंगा. कहां चला गया वो? इधर, ये पड़ा. एसएमएस करने के लिए तरीका है, DKB लिखिए, स्पेस दीजिए, फिर अपना मैसेज लिखिए, फिर स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, एंड सेंड इट टू 436. वील बी राइट बैक.
आई लव अबाउट द शो कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है. आप इतने लकी भी हो सकते हैं कि आपके साथ फाखर आके बैठ सकता है अचानक से, बिकॉज इट्स टू शॉर्ट. तो यानी दो लोग एक ही उसमें शॉर्ट में नजर आ रहे हैं. सो फैसला करना मुश्किल है शो किसका है. सो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे बिकम्स हिज. सो अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है साहिर? थैंक यू वेरी मच. जेट लैग उतर गया आपका? उतर गया यार. एंड यू वर राइट, वो एक घंटा लगता है हर दिन के हिसाब से. हाँ. एक घंटा होता है. टेक्स अबाउट अ वीक. रिक्वेस्ट की थी जब मेरे वीकेंड के शो पे आए थे, मेरे वीकेंड के प्रमोशनल शो पे आए थे, तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज मेरे इस वाले शो पे आएगा. एंड ही इज हियर. तो सबसे पहले तो थैंक यू फॉर दैट. प्लेजर. थैंक यू. थैंक यू. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव अ पर्सन हु इज वंडरफुली गिफ्टेड. शी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस. एट द सेम टाइम आई थिंक शी इज a producer, a host as well. I've seen her hosting, I've been to her show, and a mom. Let's say hello to Salma for us. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kaisi hain aap? Theek thaak hain? Theek thaak. Bahut bahut shukriya for coming here. Bahut bahut shukriya. Long time. It's been how long? Yes, it's been Six a long years. Time. Longer actually. Longer, really? I think yes, you came to my show 6 years ago. 6 years ago, na? Almost 6 years. And I came to your show even longer. I I think 8 years, nine. No, no, इतना तो मुझे नहीं हुआ. This is my seventh year. हाँ, seventh year. This is my seventh year. Really? Yeah, yeah. This is my seventh year. Doing shows. हाँ, doing in Pakistan. Then it must be 7 years because it was before Fatma, and Fatma is 5 now. So yeah. Almost 7. Yeah. Almost 7. हाँ, 7 साल, 7 साल हो गए. अच्छा, मैं आप दोनों का तारुफ करना चाहता हूँ तारिक हुसैन से. तारिक is the one जो ये पेंटिंग्स जो आप देख रहे हैं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा खड़ा हो जाऊं. ये वाली पेंटिंग आप देखिए, कैलीग्राफी करते हैं, और आप इनको देखिए कि ये वाली पेंटिंग जो है ये तारिक ने बनाई है. ही हैज एक आर्ट गैलरी जिसको ईस्टर्न कहते हैं. ईस्टर्न के अंदर इनकी पेंटिंग्स होती हैं, जहाँ दूसरे आर्टिस्ट होते हैं उनकी भी पेंटिंग्स होती हैं. फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पेंटिंग्स बनाई हैं. देन दिस, इनका जो सारा काम है वो इस्लामिक आर्ट का है, इस्लामिक कैलीग्राफी का है. और इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है, तारिक ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि तारिक मेरे साथ 60-70 बच्चों को आर्ट की फ्री तालीम देंगे. मैं भी सीखूंगा बैठ के. बट यू नो, रिकमेंडेबल. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छा, ख्याल कैसे आया, कैसे फाखिर को भी बताएं, सलमा को भी बताएं, ख्याल कैसे आया, कैसे कि आप मुझे आवाज दें? कल आपने मुझे, हमारा ये अभी 24 घंटे भी नहीं हुए. येस्टरडे आई वॉज गेटिंग इन टू अ रेस्टोरेंट एंड ही शाउटेड फ्रॉम द बैक, सर भाई गया. मैंने कहा क्या बात है, तो देन ही टोल्ड मी कि ये सब कुछ करते हैं. तो मी बीइंग मी, असल में आप मोटिवेट करते हैं, आपका प्रोग्राम ऐसा है. और दूसरी बात ये कि मैंने इतना देखा है आपको कि आप एक समाजी हैं, और यह है कि कोई ऐसी ज्यादा बात ना कर दूं कि कोई समझे कि भाई नहीं, नहीं, पता नहीं क्या इनके साथ कोई रिलेशन है. बहरहाल ये है कि अल्लाह को मंजूर था. अल्लाह को मंजूर था. अल्लाह को मंजूर था, मेन तो यही है. और आपने भी तवज्जो दी, ये बहुत बड़ी बात है. अच्छा, मुझे ये बताइए कि बहुत मुश्किल होता है ये आर्ट, बहुत एक्सपेंसिव है, पैसे ज्यादा लगते हैं इसमें? बहुत ज्यादा इस काम में, बहुत ज्यादा इस वाले में बहुत ज्यादा. ये है गुलजी की असल में फाउंडेशन तो उनकी है, लेकिन इसके काम को उनके बाद अब जो फर्स्ट कर रहा है कोई, और गैलरीज में जो अब उनके बाद. हाँ. तो अब अगर गुलजी के हवाले से मैंने अपना काम इसमें ज्वाइन किया है, लेकिन स्ट्रोक्स जो है ना उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए गुलजी के स्ट्रोक्स. गुलजी के इनका है, इंस्पिरेशन वहां से आता है. तो यह है कि अब क्योंकि इसमें बहुत कशिश है इस काम में. वाह. और लाजमी बात है कि आप सबको अच्छा लगा तो आप फिर तैयार है ना, मतलब अगर हम लोग आपके साथ चलेंगे और आपको 60 बच्चे देंगे. मैंने व्हाट आई प्रपोज्ड वाज कि यार ऐसा करते हैं, 30-40 स्कूल्स के अंदर जाते हैं और दो दो बच्चे एक स्कूल से लेते हैं, और उसके बाद उनका एक क्लासरूम बनाते हैं, और उनको हम प्रोवाइड करेंगे सारा ये ईजल होता है, कलर्स जो होते हैं, ये सारा ये चीजें, ये सब हम प्रोवाइड करेंगे, बट यू टीच देम, लेकिन वी डोंट हैव मनी फॉर इट. दैट्स समथिंग गिविंग बैक टू द सोसाइटी. बिल्कुल. आई थिंक एक अच्छा करने जा रहे हैं आप काम. yeah. और इसके अलावा मैं स्टोन फिनिश में काम करता हूँ, कॉपर में हैमर फिनिश से करता हूँ. कॉपर की जो शीट्स आती हैं उसमें कैलीग्राफी, हॉर्सेस स्पेशली, ये मैं हैमरिंग से करता हूँ, और पोर्ट्रेट भी. क्या म्यूरल्स बनाते हैं? जैसा कि बहुत जल्दी मैं आपका बनाने वाला हूँ, स्टोन फिनिश में भी और ऑयल में भी और कॉपर में हैमरिंग से. मुझको ये
विद कॉपर, ये मैं करने वाला हूँ। मुझे तो नहीं उसमें मारेंगे ना। मेरा ताल्लुक इससे पहले कैडेट कॉलेज पिटारो से रहा है, वहाँ के तमाम आसिफ अली जरदारी साहब भी कैडेट कॉलेज पिटारो से ताल्लुक रखते हैं। हाँ हाँ, तो वो पिटारो में तो कोई भी पढ़ने आए कोई भी, मैं तो बेसिकली रहता ही वहाँ था। अच्छा अच्छा, ओके। तो मैंने वहाँ के तमाम प्रिंसिपल्स के और जो आज तक रहे हैं सबके पोर्ट्रेट्स मेरे हाथ के वहाँ पर है, कैडेट कॉलेज पिटारो। अच्छा जी, आप इनामात के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन इनामात से पहले आई थिंक मैं आपको ये बता दूं कि जो वीडियो है मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगा जब तक मैं तुम्हारा वीडियो ना दिखा दूं, क्योंकि तुमसे मेरा प्रॉमिस था कि मैं इसने मुझसे कहा कि शायस्ता वाला वीडियो तुमने दिखाना है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैं दिखाऊंगा। तो इसकी एक वजह थी, नॉर्मली तो वीडियो चलते रहते हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, उसकी वजह ये थी कि शायस्ता हैपेंस टू बी साहिर्स सिस्टर, ऑफ कोर्स आपकी बहन है, तो उस वजह से आई थॉट कि इट वुड बी अप्रोप्रिएट कि आपके शो पे एक ऐसा वीडियो चला है जिनके अंदर उन्होंने फीचर किया है। डेफिनेटली, और तुम्हारा भी, तुम्हारा उसमें बहुत बड़ा काम है यार, तो यू द ग्रेट सिंगर। आई एम द क्रांतिकार इन दैट वीडियो। यू आर द क्रांतिकार। क्रांतिकार होता है हम लोग, ऑल ऑफ अस क्रांतिकारी, नॉट क्रांतिकारी, क्रांतिकारी, ओके, क्रांतिकारी जो जंग में हिस्सा लेता ना। आई हैव नो आईडिया, यू हैव नो आईडिया। नहीं नहीं, मैं बता, हम में से सिर्फ एक ही पाकिस्तानी है, तीन तीन इंडियन बैठे। उसका रीजन ये है कि साहिर इतना इंडियन गाने गाते हैं, इतना अच्छा, अब तो बहुत अच्छा गाने लग गए माशाल्लाह, अब इतना गाते हैं, आई थॉट कि आपकी हिंदी हमसे बेहतर होगी। अरे थैंक यू फैजान, थैंक यू सो मच। नहीं, हिंदी पता नहीं बेहतर है कि नहीं है, पर मैं इंडियन गाने, देयर इज अ लॉट ऑफ बॉलीवुड इन मी, मैं क्या करूं, मैं बड़ा उन गानों पे हूं। हमारा भी एक हाल है, मैं तो खुद कहती हूं, मगर हाँ लैंग्वेज इतनी पिक नहीं कर पाई। हाँ, सभी के साथ ये चक्कर है। नहीं, हम लोग तो पार्ट टाइम मंदिर भी जाते, लेकिन देखो देखो चक्कर ये है कि हम लोग तो चलो इंडियन गाने सुनते हुए पले बड़े, तुम्हारी तो शक्ल भी बॉलीवुड है ना, अब क्या कर सकते हैं। वीडियो देखते हैं। वीडियो देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द रेस्क्यू लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं उसके बाद पांच आपको नाम देने वाला हूं जिनको मैं ये सब गिफ्ट जो है वो देने जाऊंगा, लेकिन इससे पहले आइए चल के देखते हैं द वीडियो ऑफ फाखिर एंड शाइस्ता। हियर वी गो। जीवन सवाल मेरा, सावा दे गुंज लानू आके खोलना। कब तक जिएंगे ऐसे, होगा बेसाल कैसे, जगते हैं मेरे आँच मैं रोलना। दर्शन को तेरे तरसूं, तुझको मैं कैसे ढूंढूं, पीना मैं चाहूं दारू तेरे इश्क का, मिलता ना कोई मनु तेरे वरका। बेलिया, बेलिया। वाओ, 40 सेकंड्स तो दिखाया ही होगा। नहीं, 50 सेकंड्स से ज्यादा दिखाया है, 50 सेकंड से ज्यादा दिखाया है। मतलब व्हाट डू यू मीन 40 सेकंड से दिखाया? हम लोग इतना झूठ नहीं बोलते। अब ये है दैट हाँ, इसको देखने के बाद वन वुड वांट टू सी द होल थिंग। मैं सच बता रहा हूँ, बात भी बहुत अच्छा, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। थैंक यू। और ये सिर्फ हमने प्रोमो दिखाया ताकि लोग जा के इसको देखें। और हमारे चैनल वाले, आग पे तो चल रहा है ये, आग पे तो चल रहा है, और इनफैक्ट हर चैनल पे चल रहा है, आई थिंक दूसरे और चैनल उन पर भी चल रहा है। हाँ, काफी जगह पे चल रहा है। अच्छा अच्छा, मैं पहले इनामात का अनाउंस कर दूं। अनम, थैंक यू यार, इनाम अनाउंस नहीं करते, बस घर भिजवा दिया करते हैं। तो भिजवा देना, इट्स ओके। कौन सी वाली इसमें पेंटिंग? देखो, मैं तुम्हें एक काम करता हूँ, पेंटिंग को छोड़ो, मैं तुम्हें ये उपटन की बास्केट दे रहा हूँ, प्लीज डू यू वांट टू एक्सेप्ट दैट? लेकिन मैं बताऊँ चक्कर ये कि मुझे उपटन की जरूरत है नहीं। दैट्स ट्रू, उपटन की जरूरत है नहीं। मिठाई चाहिए? नहीं, हाँ मिठाई मैं खाता हूँ। मिठाई खाते हो? हाँ, सीरियसली, आई लव, आई लव टू गिव यू दिस, आई लव टू गिव यू दिस, बट फाखिर ऑनेस्टली इफ यू वांट अ पेंटिंग आई विल गिव यू वन। No, I would like that painting. Yeah, there you go. Yeah, thanks. That's your mithai. ये मिठाई है? अरे मिठाई है। अरे वाह, थैंक यू। दिल पसंद की है? और बहुत सारी है, सच्ची बहुत सारी है, 5 किलो है। 10 किलो तो होगी ये, 10 किलो नहीं, यार से वेट ट्रेनिंग की जा सकती है, बहुत हैवी है। दिखाओ, तुम तो स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ बॉलीवुड है। अबे कौन सा बॉलीवुड? अच्छा, एक जमाना था, एक जमाना था, शेयर कर लीजिएगा। सुनो, एक जमाना था कि साहिर यूज्ड टू बी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट ही
resembles Shahrukh Khan. I was never proud of that fact. Sun. I don't know what you're talking about, but now, I was never proud of that fact. I was. Now that Shahrukh is over the hill and is retiring, and Sahir looks way better than Shahrukh himself, so he says, "Nahi, Shahrukh kaun hai yaar? छोड़ो मिट्टी। काश मैं ये कह सकता कि शाहरुख कौन है मेरी जिंदगी में मेरी, तुम शाहरुख से जाके पूछो वो भी बोलता है ये, काश मैं ये कह सकता सहर लोधी कौन है। Why does he? मैं बता रहा हूँ, but this is how it is done. आप उसको चेंज ही नहीं कर सकते, कैसे चेंज करें और क्यों चेंज करेंगे। अच्छा कौन सी पेंटिंग चाहिए आपको? ये तो मेरी है। You have a choice, you have three over there, Fakhir. Which one? I think that'll be nice. Which one? Bigger the better. Center one? The bigger the better. Bigger the better. Okay, तो सलमा आपको ये दो छोटे वाले आपके? हाँ डन। नहीं एक बात बताओ। यार तारिक भाई बहुत शुक्रिया आपका। Thank you so much, बेटी बेटी। अब देखिए बात है, एक दो सलमा ने पेंटिंग ले ली, एक फाखिर ने ले ली, एक मैंने ले ली। ये सच्ची मुच्ची में है कि मजाक मजाक में? नो सच्ची मुच्ची में। या ही ब्रॉट इट। वाओ थैंक यू सीरियसली। थैंक यू सो मच। हाँ सीरियसली। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप हमें एक और पेंटिंग दे सकते हैं? तुमने बंदे से पूछा नहीं वैसे, बेचारे तारिक साहब से नहीं पूछा क्या हम लोग ये पेंटिंग ले सकते हैं? बिल्कुल एज यू लाइक। अरे वाह बहुत मेरे लिए और अल्लाह के मुबारक नाम, ये बरकत जो चाहिए घर में यार। इन एनी केस लाजमी लाजमी। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक पेंटिंग आपसे मुझे और चाहिए होगी सेट के लिए। राइट राइट पक्का? बिल्कुल पक्का। थैंक यू जी। देखिए हमारी कौम का मिजाज ये है, यू अच्छा पहले गिव मी एन इंच, पहले गिव मी एन इंच आई विल टेक अ माइल। अब हाथ पकड़ाते हैं, बाजू चाहिए। अच्छा एक मिनट मैं जल्दी अनाउंस कर दूं, अनम फ्रॉम गुजरावाला राइट्स टू मी, आपके शो ने धूम मचा दी, बहुत बहुत जबरदस्त। थैंक यू अनम, बहुत शुक्रिया। साहिर तुम तो सचमुच बहुत स्मार्ट हो गए हो। आयशा थैंक यू। साहिर अब आएगा मजा सुबह का, अब बनेगा हर दिन हसीन। नसरुद्दीन फ्रॉम कराची, थैंक यू जी, योर शो इज अमेजिंग। जिंदगी में चांद नहीं बन सकते तो सितारे बन जाओ। वाह दे लव यू मैन। लोगों की और मेरी फाखिर से शादी करवा दो। मैं पढ़ता हूं। आई मैरिन आई थिंक यू कॉल हिम होम। मैं वैसे एक बात बताऊं, अब मुझे पता चला साहिर मुझे अपने शो में बार बार क्यों बुलाता है। हाँ अभी इसने खुद कह दिया मेरी फाखिर से शादी करा दो। But you said that. I'm so sorry. Oh, hello. Dude, seriously. I think लोग कुछ और समझने लगेंगे। तू मेरा भाई है यार, तू मेरा। अच्छा हाँ बिल्कुल, मैं तू मेरा भाई too। हम लोग दोनों भाई हैं, हम लोग दोनों। इतनी करीब आने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं नहीं। जस्ट ह्यूमर, ये बताने की क्या जरूरत है? ये ना सोचो ये क्या हुआ, क्या बात है। दिन ने हाथ थाम कर उधर चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारों, न घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। क्या बात है, पता हुआ क्या है अभी? हम क्यों शिकवा करे झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा। हम क्यों शिकवा करे झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा।
शीशे का खिलौना था, एक माइक सलमा को देना था, दो दो तुम भी अभी यार होना चाहिए, होना चाहिए. सलमा प्लीज प्लीज, यू कांट सिंग इट ऑल, यू थिंक आई कैन. सलमा गाओ ना, चलो जल्दी से माइक होती है, मैं अपना शो कर लेता हूं. अच्छा ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं. थोड़ा मेरा माइक बड़ा. सलमा अच्छा गाते हैं. सलमा बहुत अच्छा गाते हैं. अच्छा अभी अभी एसएमएसएस पे आपके गानों की बहुत फरमाइश आ रही है. अच्छा सच बता रहा हूँ मैं, आ रही है. sure. एक गाना मेरा फेवरेट है, ए काश हम जुदा ना होते. काश हम जुदा वो गा लिया था यार. क्या यार, यार मतलब क्या यार, तुम यार सिंगर यार, ये तुम तो फनकार हो, अवामी फनकार हो. हम अवाम हैं, हम तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं. तुम अवाम नहीं हो, तुम साहिर खान हो. माफ कर दो मुझे, माफ कर दो. माफी नहीं मिलेगी, माफी नहीं मिलेगी. सो अच्छा एनीवे सलमा से थोड़ी बात करते हैं. हम लोग तो अपना ही शो कर रहे हैं. नहीं हाँ, नहीं मैं बहुत खुश हूँ, यू वेरी एंटरटेनिंग बोथ ऑफ यू. तो टीवी घर पे बैठ के देख लेती, यहाँ निकल आई नो, मतलब ऑप्शन होता है ना. हमारी बैठे बैठे बेइज्जती हो रही है, कोई बात नहीं है. नहीं नहीं बेइज्जती है कान से लेके दूसरे कान से निकाल दी जाती है. सलमा आजकल जिंदगी में क्या हो रहा है? जिंदगी में अच्छा जिंदगी बनाई जा रही है, क्या नहीं हो रहा? हाय अच्छा क्या चाहती है कि जिंदगी में हो? एक का तो जवाब देने दो. बेचारी सलमा भी मेरी तरह, सलमा मेरी तरह ट्यूबलाइट है. सलमा ट्यूबलाइट है मेरी तरह, टाइम लगा रही है. हाँ मैं सोच रही हूँ बताऊंगी ना बताऊं. अच्छा नहीं कुछ खास. अगली अगली वीडियो में तुम सलमा को ले सकते हो, क्यों नहीं? बिल्कुल ऑसम. हमारे वीडियोस हाजिर हैं दोस्तों के लिए. जो प्यार से आके कहेगा कि मुझे वीडियो में कास्ट करो, फॉरन हो जाएगा. जबरदस्त यार, दिस इज रियली गुड. तो तुम इसका मतलब है मुझे दोस्त कंसिडर ही नहीं करते? तुमने मुझे तुम्हारे पास टाइम है आज तक, तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हें शादी के लिए लड़की ढूंढने से फुर्सत हो तो तुम कुछ करो. हाँ मैं क्या करूं, मैं जब शर्माने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो? मैं जब भी किसी लड़की से मिलता हूँ क्यों कर रहे हो? मैं जब भी तुम्हारा नाम लेता हूँ वो सिर्फ मुझसे एक ही बात कहती है. क्या? I love Fakhir. Oh God. Okay. I'm hooked, booked and cooked, gone. Now, it's your turn. Tum toh bhi. I'm going to do that. I'm going to do it for the second time. So. I didn't say that. No harm. Nahin, I'm not. I said no harm. Haan, no. No harm? Pakka? Pakka. Okay. Achha, Salma, tell me. Light on hai. It's your project. Yeah. Kaisa ja raha? अच्छा जा रहा है. मैं हमेशा ये कहती हूँ कि नेगेटिव पब्लिसिटी भी पब्लिसिटी होती है, तो ऐसी भी हो रही है. बिकॉज आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल कंपेयर इट टू हूज लाइन इज इट एनीवे, तो ऑटोमेटिक एक रिस्पॉन्स ही आता है, अरे ये तो कॉपी है. तो कोई बात नहीं. हाँ मगर उसमें ये है कि ठीक है कॉपी है, मगर देसी फ्लेवर तो है ना. नहीं बहुत देसी फ्लेवर है. सो अदर देन दैट इट वॉज समथिंग जो हम काफी अरसे से लेके चल रहे थे, तो आई थिंक उसकी सक्सेस मैटर्स अ लॉट. सलमा होता ये कि कोई भी आप चीज करो वो अगर इंटेलिजेंट है एंड टू अ डिग्री अगर इंटेलेक्चुअल है तो वो चीज अच्छी होती है और उसकी अफादियत होती है. किसी भी चीज की इम्पोर्टेंस जो है वो उसकी कितनी जरूरी है उससे पता चलती है. एंड आपका जो प्रोजेक्ट है वो बड़ा जरूरी था. आई थिंक इट्स क्विक विटेड, आई थिंक इट्स गुड, समथिंग टू मेक यू लाफ. इट्स गुड. एंड वो लोग जो हमें इस वक्त दुबई में बैठ के देख रहे हैं, वो लोग जो इस वक्त यूएस में बैठ के देख रहे हैं, या ग्लोबली जो नेट पे हमें जाके देख रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग अस एंड थैंक यू फॉर मेकिंग अस अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. बहुत बहुत शुक्रिया. एक छोटा सा यार नॉर्थ अमेरिका वालों के लिए एक मैसेज प्लीज. 24th को मैं टोरंटो में परफॉर्म करूंगा. 24 जून को आई विल बी इन टोरंटो, स्क्वायर वन के पास एक जगह है, वहां पे फेसबुक से पता चलेगा. मेरी फेसबुक है facebook.com
fakhirmehmood and fakhir ki spelling hai FAA facebook.com/fakhirmehmood aur dosto 17th june ko I'll be performing for you in Pindi PC 17th june Pindi PC couples and all girls to wahan pe aayega security is going to be good and it's going to be a good show inshallah inshallah taala and of course इस ब्रेक के बाद फाखर यहाँ भी परफॉर्म कर रहे हैं अगर आप पिंडी ना जा सकें टोरंटो ना जा सकें तो यहाँ तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं छोटा सा ब्रेक आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद थैंक यू अच्छा यही वाला कर दो फिर कुछ तो होगा ना क्या ये जो बज रहा है काश हम जुदा ना होते सुबह आती है रात जाती है चाहत में तेरी पागल सोचूं मैं तुझको हर पल राहों में तेरी होना चाहूं मैं फना दुनिया जलदी मैनू तू नहीं मिलदा बेलिया बेलिया सोनिया फिर चैने आया तो कहता है दर्शन को तेरे तरसों तुझको मैं कैसे ढूंढूं मैं चाहूं दारू तेरे रिश्तेदार मिल जाना कोई मनू तेरे वर्गा बेलिया अच्छा मंगल बेलिया मुझे सिर्फ इतना बता जा मेरी जान जाने से पहले मेरी जान पर भरवा जाए तू अल्लाह करे आ जाए तू अल्लाह करे चलता ही रहता है रुकता नहीं एक पल में आगे निकल जाता एक पल में आगे निकल जाता आदमी ठीक से देख पाता नहीं आदमी रात को ठीक से सो पाता नहीं और पर्दे में मंजर बदल जाता है और तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना
तेरे बिन नहीं लगता तू मेरा ढोलना। क्या चाहते क्या हो तुम? अच्छा एक मिनट यार बंद करो यार, तुम लोग भी खामा खामा हम लोग क्या कर, अरे छोड़ दो यार हमारा क्या, हम तो गाते रहेंगे, सलमा बेचारी चेंज भी नहीं कर सकती चैनल। ओके दिस इज सॉन्ग आई रिमेम्बर, हमारे बचपन में एक गाना था साहिर, हमारे बचपन में एक गाना था, वो था मेरा नाम सलमा सलमा सलमा, मेरा नाम सलमा सलमा सलमा। पहले मैं ऊपर दूं उसके बाद शर्मा से बात करेंगे। सिमल खान राजशुमी, साहिर भाई शो की बिगिनिंग तो बहुत अच्छी है, उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी सक्सेस मिलेगी आपको। इस्लामाबाद से लिखा है उन्होंने, सिमल मैं आपको देने जा रहा हूं एक अदद दिल पसंद की मिठाई, थैंक यू सो मच। अमजद नहीं आपकी नहीं उनको देने जा रहा हूं। अमजद आलम राजशुमी, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, हैप्पी टू सी समवन हु ट्रूली केयर्स अबाउट अ कंट्री एंड इज राइटिंग इट फ्रॉम लाहौर, थैंक यू अमजद बहुत शुक्रिया। माइक की आवाज बढ़ाओ, थैंक यू वेरी मच। सलमान करीम राइसुमी, और मुझे कह रहे हैं सलमान करीम राइसुमी आई एम सो हैप्पी। अच्छा मैं आपको सईद गनी की तरफ से बास्केट देने जा रहा हूँ अमजद। सलमान करीम राइसुमी आई एम सो हैप्पी टू सी यू अगैन सार भाई एंड आई एम राइटिंग इट फ्रॉम लाहौर। सलमान करीम थैंक यू सो वेरी मच वंस अगैन, दिल पसंद टू यू। मिस्टर शोएब राइसुमी बहुत अच्छा आप ऐसे शोज प्रेजेंट हैं जो सारी फैमिली के साथ मिलकर देख सकते हैं, शी इज राइटिंग इज फ्रॉम मुल्तान, थैंक यू सो मच मैम वंस अगैन सईद गनी टू यू। सारा राइसुमी यू आर द बेस्ट, कीप इट अप डूड, थैंक यू। कराची से सारा, साहिर आई रियली लाइक योर आईपैड, रियली जिस पे ईमेल पढ़ रहे थे आप, ये आईपैड है क्या है यार, ये आप ले लो, हमने फाखिर को अपना आईपैड दे दिया, प्लीज घर लेके जाना इसको, मैं वापस दे रहा हूँ। अच्छा हमारी टीम के एक मेंबर है अरसलान, उनकी आज हैप्पी बर्थडे है। अरे हैप्पी बर्थडे अरसलान, आपकी टीम में अरसलान में। वाओ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अरसलान, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये अरसलान वही तो नहीं है जिनके ऊपर आजकल केस चल रहा है? नहीं वो वाले नहीं। ओफो यहाँ ना होते। अच्छा अब आपको सईद गनी की तरफ से अरसलान, हम आपको सईद गनी की तरफ से कुछ प्रेजेंट देने जा रहे हैं, बास्केट देने जा रहे हैं। अच्छा सलमा टेल मी व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू इन फ्यूचर, क्या करने वाली क्या? मैं एक्चुअली आई हैव गॉन बैक टू एक्टिंग। ओके यू हैव गॉन बैक टू एक्टिंग, वाओ। आई रिसेंटली डिड अ प्रोजेक्ट फॉर अनदर चैनल व्हिच लास्टेड फॉर अबाउट 6 to 8 months, सो दैट वाज अ गुड कमबैक। ओके आई हैव जस्ट डन समथिंग एल्स व्हिच शुड बी ऑन एयर होपफुली इन जुलाई, आई डोंट नो वेयर सो आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली आई थिंक एक्टिंग मोर, बिकॉज इतना एफर्ट नहीं लगता मुझे जितना मुझे प्रोडक्शन में लगता है। प्रोडक्शन टेक्स अ लॉट आउट ऑफ यू। हाँ प्रोडक्शन तो ये है कि बस आप भूल जाएं जिंदा हैं, एक्टिंग में ये है दैट एटलीस्ट यू आर टेकन केयर ऑफ, सो एटलीस्ट यू फील गुड अबाउट दैट। यू नो व्हाट, हम लोग सारे ब्लेस्ड हैं कि हम वो काम कर रहे हैं जो कि हमें करना अच्छा लगता है। माशाल्लाह आपको एक्टिंग करना पसंद है तो अल्लाह ने आपको ब्लेस किया कि आप वही कर रहे हो। मुझे गाना गाना, गाने बनाना, कंपोज करना, प्रोडक्शन करना अच्छा लगता है और आई लव बी ऑन स्टेज एंड सिंग, और वो मैं कर रहा हूँ, अल्लाह मियाँ की रहमत है। तुम्हें जो पसंद है एक्टिंग सिंगिंग, तुम तो सब कुछ ही करते हो एंड यू डूइंग दैट माशाल्लाह, लेकिन तुम तो प्रोड्यूस भी कर रहे हो शो। मैं डेफिनेटली, अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ब्रेक ले लेना चाहिए, मुझे ब्रेक लेना बहुत पसंद है क्योंकि जब भी ब्रेक में लेता हूँ मुझे लगता है मेरा पेचेक थोड़ा सा नजदीक हो गया। सो एक छोटा सा ब्रेक है, इस टाइम ये ब्रेक लेता है इसका वॉलेट तगड़ा होता जाता है। यस एब्सोल्युटली बहुत तगड़ा हो जाता है और बाद में मेरी जेब में रहता ही नहीं है वो। बाय एनीवे एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, विल बी राइट बैक। फाखर एंड सलमा एंड ऑफ कोर्स विल सी यू इन शॉर्ट व्हाइल। जी आए, हेलो जी, मैं आ गया, वापस आ गया, आ गया। ओके ओके, मैं तो टीवी में देख रहा था कि मैं आया कि नहीं आया, लिटरली रियली बैड। एनीवे थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आज पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि मैंने कोई फोन कॉल नहीं लिए, कोई टेलीफोन कॉल नहीं लिए, आज मैंने सारे नमाज जो है वो SMS पे दिए हैं। एंड अब इस वक्त मेरे पास जो SMS आए हैं उसमें सलाम टू योर पॉजिटिविटी, दैट्स फातिमा फ्रॉम कराची, एंड आपको हम देने जा रहे हैं सईद गनी की बास्केट, कीप इट अप, वी आर ऑल विद यू, दैट्स राफे फ्रॉम फैसलाबाद।
बहुत बहुत शुक्रिया आपको हम देने जा रहे हैं एक अदद मिठाई का बहुत बड़ी वाली बास्केट जो होती है वो यू एंड योर शो इज वेरी इंटरेस्टिंग दैट्स शाहिदा फ्रॉम लाहौर थैंक यू जी अगैन यू डिजर्व अ गिफ्ट इज वेल सलाम साहिर यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब अनम शेख फ्रॉम हैदराबाद थैंक यू जी अनम बहुत बहुत शुक्रिया माई सन वॉन्ट्स टू लर्न पेंटिंग मिसेस खालिद फ्रॉम कराची राइट्स टू मी ओके मिसेस खालिद आपके भी बच्चे अगर पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो यू कैन एक्चुअली कॉन्टैक्ट अस और आप हमसे राबता कर सकते हैं यू लुकिंग रियली नाइस फाखिर इज माई हार्ट थ्रॉब एंड आगे नाम पढ़ो माई नेम इज असद पठान लिखा हुआ है आई एम योर बिगेस्ट फैन आपका शो रॉकिंग होता है And especially when Fakir is there. Fakir is Iram. Dying to say something. Iram from Multan. Iram from Multan. Lesser said the better. Look, every place is Sahir, just like boys, right? देखो इंसानों से प्यार करना चाहिए डजंट मैटर कि वो लड़की है लड़का है इन ऑल द राइटेस्ट सेंस यू नो बहुत अच्छा लिखा पीपल लव यू यार पीपल लव यू एंड दे लव यू टू आई एम ग्रेटफुल आई एम श्योर असद पठान लव्स यू मोर अच्छा सलमा कमिंग बैक टू यू इधर दे दे अच्छा फातिमा को यू नो वो कैसी है फातिमा कैसी है ठीक है फातिमा बिल्कुल ठीक ठाक है किस पे गई आप पे या असफर पे किस पे गई फातिमा बिल्कुल अब्बा की शक्ल है मगर जो आदतें हैं वो कुछ मुझसे मिलती हैं विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट एक्चुअली बड़ा आसान होता है ना कहना कि जो भी नेगेटिव चीज हो बिल्कुल तुम्हारी तरह कर रही है और जो अच्छी चीज है वो मेरी है देखो बच्चे जिसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं ज्यादा उसी की आदतें लेते हैं आई थिंक इवेंचुअली गर्ल्स इवेंचुअली बिकम देयर मदर्स नो मैटर व्हाट आई थिंक दैट्स व्हाट दे से कि अगर आपको शादी के लिए हम अपने अगर बेटियों पे मेहनत करना बंद कर दें क्या बात है मैं आपको सलूट करता हूँ आपने क्या बात कही है इट्स अमेजिंग अगर उन्होंने माँ का चमचा बनना है आप थ्योरी सुने भाई देखें लड़कियों की एक अजीब सी बात है मैं एजुकेशन आई सीरियसली बिलीव इन और वो ये है कि सारे दिन अम्मा के साथ होंगे कोई मसला होगा मामा 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 बट द मिनट अब्बा दरवाजे से अंदर घुसेंगे डैडी मामा हम अकेले बाहर जा रहे हैं आपको आने की जरूरत नहीं है अरे भाई डैडीज गर्ल डैडीज गर्ल लेकिन मैं बताऊं होता क्या है कि जाहिर है बच्चे को माँ भी चाहिए और बाप भी चाहिए दोनों का प्यार अलग अलग है Obviously. इसमें कोई वो ज्यादा प्रोसेसिव होने की जरूरत नहीं है नहीं है देखो तुम लोग कुछ नहीं करते घर आते हो और समझते हो कि पास नॉट फेयर मैं तो किसी के घर भी नहीं जाता भाई I'm sorry. मैं तो अपने घर बहुत कम कम जाता हूँ नहीं बट यू एब्सोल्युटली राइट आई थिंक फॉर एनी चाइल्ड एक बैलेंस और दोनों पेरेंट्स आर अ मस्ट एंड आई थिंक कभी कभार वैसे आप रोल स्विच करें आप असफर का काम ले लें और असफर को घर बिठा दें कि वो बच्चे को देखे ये हो नहीं सकता हो सकता ना करें असफर नहीं कर सकता आप दो चार महीने जाएं ब्रेड अर्न करें पूरे घर के सारे बिल्स दें वो तो मैं वैसे ही करती हूँ सब कुछ करें अच्छा एक काम करें नहीं लेकिन होता क्या है हस्बैंड्स मनी इज सबका मनी एंड वाइफ्स मनी इज ओनली वाइफ्स मनी नहीं यार मुझे हमारे कैसे? घर में ऐसा नहीं है ऐसा नहीं होता क्योंकि मैंने पढ़ा ही है देखा ही है मैंने अच्छा अब एक काम करते हैं आई विल थैंक यू सलमा फॉर बीइंग हियर ऑन द शो गुड लक विद लाइट ऑन है आई थिंक यू आर द प्रोड्यूसर ऑफ द शो सो आई थिंक शो बहुत अच्छा होगा मैंने भी देखा है few glimpses of your show bahut acha keep it up aur fatima ko lots of love from all of us aur hame bataya gaya hai ki ji fatima ke liye hum chocolates bhijwayenge so that is going to be there for you fakhir thank you so very much bahut shukriya always a pleasure aur aapki beti jo hai unka naam kya hai simon okay simon ke liye bhi chocolates are there so thank you so simon ke liye bhi chocolates are there oh lovely thank you she loves chocolates thank you बहुत बहुत शुक्रिया लेज़म एंड फाखिर एंड सलमा दे वर ऑन माय शो और आप मेरे साथ हैं अगर आप भी इस प्रोग्राम में शरीक होना चाहते हैं लाइक द मॉम्स आर देयर तो फिर आप उसके लिए 8083 पे अपने मैसेज को भेजें आप कुछ खाना शाना बना के लेके आना चाहती हैं तो प्लीज़ वो भी लेके आइए 11 से 1 बजे तक बहुत चिल कीजिए रिलैक्स कीजिए बिकॉज पता नहीं मेरा बिलीव ये है कि अच्छे शोज देने चाहिए अच्छे शोज सिर्फ उसी सूरत में हो सकते हैं जब हम पॉजिटिव बात करेंगे आई नो लाइफ ऐसी नहीं होती जैसी हमने सोची होती है एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज बेटर अगर जिंदगी में मसाइल ना हो तो फिर जिंदगी नहीं है लिटरली मैं हमेशा एक बात कहता हूं एज लॉन्ग एज यू आर नॉट डेड नथिंग वेंट रॉन्ग
nothing went wrong. Everything else, you'll be able to take care of it. So make sure that you take care of yourself. और मुझे बार-बार बताया जा रहा है कि फाखर से कहो कि गाना गाना गाएं। हाँ, उसपे हम लोग end credit चलाएंगे. Sorry. फाखर आपके काबू में आ चुका है. जी. आप उससे गवाए जा रहे हैं. चलो. माइक खुलवाया नहीं खुला. ओने 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 माइक ओने. Okay. Here we go. Bright कर दे यार. क्या गाऊं? ये लेना. मुझे पता नहीं. अरे यार हो गया ना काशम, कितने जुदा होंगे. नहीं इतनी जुदाई के गाने नहीं. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. कुछ और कर लेते हैं. तेरे बिना दिल ना लगे यार. सी मेजर. Here we go. दिल दालत. बी फ्लैट कर लेना. क्या बात है. आई लव दिस सॉन्ग. एशाब एशाब एशाब. दिल दालत रमा ये मेरी जान लुटा दो तुझे जानम आंधी आए ला पढ़े तूफान चांद होगी ना गलियां जुबारे तेरे जगते जारे तेरे जन्म तेरा हो 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 तेरे बिना दिल ना लगे तेरे बिना दिल ना लगे दिल दीवाना तेरे लिए तेरे बिना दिल ना लगे